व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज एरन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है ट्यूसडे एंड लॉकडाउन बड़ा ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन कुछ किया तो नहीं, मेरी वीडियो भी नहीं आया। एंड आज ट्यूसडे है तो आज जाना है, वीडियो शूट करना है। तो अपनी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो उसे पहले धुल लेते हैं, वॉश करते हैं अच्छे से। तो टाइम लैप्स एंजॉय करो, तब तक मैं वॉश करता हूँ एंड देखेंगे। इस मम्मी की स्कूटी भी धो देंगे, अपनी गाड़ी यार धो देंगे यार उसको भी। तो दिखाते हैं, बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा गंदी है भाई। रेडिएटर पे भी जूम करता हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, ये देखिए है भाई साहब। तो भाई अब बाइक को जल्दी से धोते हैं एंड लॉक को शुरू करते हैं। चलो बाइक दो तो ज़रूर से रेडिएटर के पास ज़रूर धोना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी धूल जमी होती है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका रेडिएटर ब्लॉक हो जाए एंड आपका कूलेंट भी नहीं चलेगा, फिर आपका फैन भी नहीं चल सकता है उसके लिए। तो मेक श्योर आप मतलब ज़रूर से आप उसको क्लीन कर लो, बस यही बोलना था। वापस से टाइम लग गाइस, अपनी बाइक हो गई पूरी वॉश एंड रेडिएटर भी पूरा धुल दिया है ना, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा ऐसे करके दिखाते हैं कि बहुत सारे स्पॉट्स पड़ गए हैं एंड मुझे लगता है कि ये मुझे बदलना पड़ जाएगा अपना रेडिएटर पूरा अच्छे से। देखिए ये देखिए पूरे स्पॉट्स पड़ रहे हैं, वाइट जो है यही है। एंड भाई बाइक हो गई पूरी फुल वॉश, अभी इसको करेंगे पॉलिश। तो पॉलिश करते हैं एंड पूरी बाइक चमक जाएगी अपनी। सो चलो पूरा यार देखो पूरा फुल भीग गया है एंड अभी इसको चेंज करेंगे एंड उसके बाद निकलते हैं बाहर। पॉलिश किए बिना नहीं जाएंगे, तो पहले अभी पोछेंगे इसको एंड फिर पॉलिश करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है। और आज शायद से जो नई आपको R15 दिखाई दी BS6 वाली और एक और BS4 R15 V3 आएगी, अगर आती है तो आज देखते हैं दोनों को कंपेयर करके कि कैसा रिस्पॉन्स मतलब कैसा परफॉर्मेंस है BS6 का BS4 के कंपैरिजन में। तो चलते हैं वहाँ, जब टाइम आएगा तब दिखाएंगे, नहीं तो अपना कुछ भी देखेंगे घूमेंगे। आज ट्यूसडे है तो हमारे यहाँ ट्यूसडे को हॉलीडे होता है, तो थोड़ा चलते हैं घूमने। तो भाई अपन आ गए हैं बाइक पे एंड बाइक पूरी चमक गई है। तो यार जब से मैं अभी निकला हूँ तो थोड़ी दूर आ चुका हूँ अपने घर से, तो मैं देख रहा हूँ नोटिस कर रहा हूँ कि यार कानपुर में हर एक मतलब चौराहा पे तो बहुत पुलिस लगी हुई है, पता नहीं क्यों बहुत चेकिंग चल रही है। तो आजकल यहाँ पे भी मतलब हेलमेट का बहुत ज़्यादा चलान कट रहा है, तो एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल पहनते नहीं हैं, मास्क भी नहीं पहनते बहुत से लोग। और जैसे इस आदमी को देखिए, ये भी मास्क नहीं पहना था। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी उनको मतलब अंदर से लग नहीं रहा है कि यार कोरोना कोई बीमारी है कि उससे जान जा सकती है लोगों की, पर नहीं। चलो अपन तो आज अकेले हैं निकले हैं, तो जो आपको बताया था अभी कि यह V3 आएंगी ब्लैक कलर की है, नहीं का येलो कलर की थी BS4, बहुत बड़े मतलब मॉडिफाई करी थी उसको, तो यार वो नहीं आ पाई कुछ कारण से इस ब्लॉग में। तो देखते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे अगर आ पाई तो उनको अपने वीडियो में लेंगे एंड उसका कंपेयर करेंगे। तो यार अब आज ट्यूसडे एंड आज यार बिल्कुल भी मतलब आज ऐसा लग रहा है कि आज ट्रैफिक नहीं है। तो भाई
यूजली यहाँ पे इतनी ही शांति होती है, इतनी ही कम भीड़ होती है। तो वही मैं उस दिन एक बार आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा ही बहुत तेज़ी में वहाँ से भागा भाई साहब। आज बड़ी शांति लग रही है। एंड यार अभी एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई है एक, कि ये अभी वहाँ पर उधर सामने एक लड़का कूदा एंड वो उसको नाव वाले ने रोक लिया, तो बच गया लड़का। तो वही अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस थी तो भीड़ भी इकट्ठा हो गई, तो रुकने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन यार ये है कि यार सोलो निकलो ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे फ्रेश फ्रेश फील होता है। एंड भाई बाइक ऐसी चीज़ है ना कि जितना भी स्ट्रेस होगा ना वो सब निकाल देगी सब भाई जी। मैं सही बोल रहा हूँ, कोई आपको अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो यार निकलो बाइक में एंड थोड़ा घूम के आओ, अच्छा लगेगा। मौसम बहुत ज़बरदस्त था तो ज़्यादा धूप भी नहीं थी, उमस थी लेकिन थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी। तो अभी मौसम अच्छा है, चलो थोड़ा देखते हैं। गाइस अभी बाइक का मोड चेंज करते हैं, तो बाइक का मोड अभी मतलब सिक्स मोड पे लगी हुई है, तो देखते हैं उसको चेंज करते हैं एंड देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है। तो भाई अपन करने वाले हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, निकाल के देखते हैं। ये सिक्स मोड पे लगी है शायद से, देख रहा हूँ। अपन इसको करेंगे 1 2 3 3 पे सेट कर दिया। तो एक बार मैं 3 मोड पे चला चुका हूँ तभी मैं लगा रहा हूँ। यार ये तो पूरा गीला हो गया यार, अपन ने बाइक धोई तो उसको पेपर्स भी गीले कर दिए होगा, तो उसको निकाल के रखना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत होगी। चलो देखते हैं परफॉर्म कर रही है बाइक। मतलब चेंज होता है यार मोड, आप अगर चेंज करते हो बाइक में इस CDI का मोड, अगर आप हर मोड पे अगर आप चेंज करके चलाओगे तो आपको यार थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस दिखेगा, मतलब बीच में नहीं दिखेगा, इनिशियल पे आपको इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। तो मैं एक बार आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ले के देखो, जिसके पास NS है आप वो जिसको ज़रूर ले के देखे। एंड दूसरी बाइक में भी आप सर्च कर सकते हो NNW रेसिंग CDI में के स्टोर में जाकर दे सकते हो, और Amazon में भी मिलता है, तो बस परफॉर्म करेगा। तो यार ये यार बस CDI आप ये ध्यान रखो कि आपकी गाड़ी में कोई भी टेक्निकल इशू ना हो, इंजन से भी रिलेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू ना हो तो ये CDI बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो चलो यार पता है मैं यहाँ पे टॉप स्पीड चेक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे जानवर इधर से उधर करते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। एंड चलो तब भी आगे चल के एक बार कोशिश करके देखते हैं कि कोई जानवर ना आए तो। लेकिन अगर अभी ABS भी बहुत बड़ी चीज़ है यार, नहीं है इसमें तो मुझे अब डर सा लगता है। गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, बढ़िया है।
बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो शूट करी है। तो अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हो तो जल्दी से जाओ फॉलो करो, लिंक यार पूरा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके जल्दी से फॉलो करो। बोला था कि पिछले वीडियो में कि इसने लगाएंगे ड्यूक का हैंडल, तो दो तीन लोगों ने बोला था एंड मुझे भी यार लगवाने का बहुत मन है, तो अभी जल्दी से इसको लगवाएंगे एंड देखते हैं क्या चेंजेस आता है बाइक में, लुक में एंड कंफर्ट में कैसा कैसा चेंज आता है देखते हैं। एंड जल्दी से इसको लगवाएंगे एंड अगर लगवाएंगे तो ड्यूक की हैंडल ग्रिप्स भी लगवाएंगे, तो यार मस्त परफेक्ट लगेगी मेरे हिसाब से। एंड मैंने देखा भी है बहुत बाइक में, बहुत सारी एनएस में, तो उस पर बहुत अच्छी लगती है देखने में भाई। जल्दी लगवाते हैं, उसका ही वीडियो आएगा जल्दी से। तो यार आज का दिन, आज का व्लॉग ऐसे ही थोड़ा सा था, छोटा सा, कुछ खास तो मिला नहीं एंड कोई नहीं, कभी कभी यार ऐसे वीडियो से भी यार काम चलाना पड़ता है, चलाने का क्या, एक मोटो ब्लॉग हो गया अच्छा सा एंड बाइक का मोड चेंज किया था, मतलब CDI का देखा परफॉर्मेंस तो बड़ा अच्छा निकला, तो मैं इसको 3 पे ही रखता हूँ। एंड तो भाई ऐसे तो जो NMW कंपनी है वो रिकमेंड करती है NS के लिए 6 मोड पे, आप कोई मोड पे चला सकते हो लेकिन मतलब बहुत बेटर रहता है 6 पे, मैंने 3 पे रखा हुआ है तो अच्छा है। चलो फिर इसी के साथ यार व्लॉग को एंड करते हैं एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड हो सके तो शेयर कर देना। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।